की जल्दबाजी में ब्रेड की तीन मज़ेदार रेसिपी जिसे देखने के बाद आप बनाए बिना रह नहीं पाएंगे, बार बार इसे बनाकर खाएंगे। ये फ्रेंड्स बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का तीन नई रेसिपी, जिसे खाने के बाद हर बार आप इस तरह से नाश्ता बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, बारीक वाला या मोटी वाली। और यहाँ पर मैंने 1 कप थोड़ी दही डाला है। इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज और इसमें मैंने गाजर डाला है। और ये मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ते डाले हैं। और थोड़ा सा मैंने मिक्स किया हुआ जीरा गुलकी का पाउडर डाला है। इसे फ्लेवर है जो बहुत ही अच्छा है नाश्ते में। और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। और ये मैंने डाले हैं गरम मसाले। और थोड़ा सा मैंने इस पर चिली फ्लेक्स डाले हैं। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो उसकी जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 गिलास मैंने पानी डाला है और सभी को मैं अच्छे से मिला देती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने अच्छे से मिला दिया है। अभी आपको इसमें मतलब कि पानी ज़्यादा लग रहा है सूजी में, लेकिन इसे आप 5 मिनट के लिए ढककर रख दीजिएगा तो सूजी है जो पूरा ही पानी को सोख लेता है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढक दिया और ये देखिए फ्रेंड्स, पानी को बिल्कुल ही सूजी सोख लिया है। बिल्कुल इसी तरह का आपको भी ये घोल है जो रेडी करना है सूजी का, ये देखिए। तभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड लिया था, मेरे पास बचा हुआ था, उसे इस तरह से आप गिलास से या तो कटर से गोल शेप में कट कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप आटा। आटा की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आटा हेल्दी होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आटा लिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें गोलकी जीरा का मिक्स किया पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गाढ़ा घोल है जो रेडी कर लेती हो, ये देखिए। एक बार में नहीं डालिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा कर पानी को डालिएगा ताकि गांठ वगैरह भी ना बने और घोल अच्छे से रेडी भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ते डाले हैं और ये बिल्कुल रेडी हो गया, ये देखिए। बिल्कुल इसी तरह का घोल आपको रेडी करना है। तो पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तो तेल है जो गर्म हो रहा है, तो इसे मीडियम गैस पर ही आपको पकाना है, गैस को आप ज़्यादा मत रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है और इसे मैंने सूजी का मिश्रण ऊपर से डालकर अच्छे से फैला दिया है। और जिधर मैंने सूजी का मिश्रण डाला है उसी साइड से आपको तेल में डालना है, ये देखिए फ्रेंड्स, सेम तरीका है। इस तरह से 1 चम्मच सूजी का मिश्रण लीजिए और ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगाकर, और जिधर से आपने सूजी लगाया है उसी साइड से आप तेल के अंदर डाल दें। ऐसे हल्के हाथ से ही दाबना है, ज़्यादा हाथ से नहीं दाबिएगा। तो इसे अब दूसरे साइड में पलट देती हूँ। सिर्फ 2 मिनट ही इसे सेकना है फ्रेंड्स, और 2 मिनट ही दूसरे साइड ही सेका जाएगा। तो दोनों साइड अच्छे से सेका गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ब्रेड का जो मैंने कट करके रखा है तो उसको मैंने लिया है, और ये मैंने आटा का जो घोल रेडी किया है उसे मैं इसके अंदर जो गोल शेप है उसके अंदर डाल दिया है। और ऊपर से मैंने सूजी का मिश्रण डाला है 1 चम्मच और इस तरह से फैला दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता, इससे देखने में सुंदर भी लगेगा फ्रेंड्स। और थोड़ा सा मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ सब्जी। तो मैंने थोड़ा सा निकाल के अलग रख लिया था, वो मैंने ऊपर से डाल दिया है। हाथ से आप इसे हल्के से दाब दीजिए, सब्जी है जो बाहर ना निकले। तब इसे मैं दूसरे साइड पलट देती हूँ। तीसरे भी फ्रेंड्स आपको 1 से 2 मिनट ही लगेगा सेकने में। वो ही साइड अच्छे से सिका गया है फ्रेंड्स, तब मैं इसे निकाल लेती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स।
भी आपको उतना ही ये मज़ेदार लगेगा। तो थोड़ा सा तेल डाला है और ये जो सूजी का मिश्रण जो बच गया है, चम्मच से मैंने इस तरह से डालकर और हल्के चम्मच से ही फैला दिया है। तो इसे दूसरी साइड पलट देती हूँ और इसे भी 1 से 2 मिनट लगेगा पकने में। फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे ये भी देखिए रेडी हो गया है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आप मनपसंद सॉस चटनी किसी के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और इस रेसिपी को आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। घर पर मुझे भी आगे बढ़ने में प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।